बस चंद घंटों का इंतजार है, घोसी के किले पर किसका कब्जा होगा ये साफ हो जाएगा। अखिलेश के नेता सुधाकर सिंह की घोसी में धाक होगी या योगी के दारा सिंह का दांव मजबूत होगा, बस कुछ घंटे ही बाकी हैं ईवीएम से घोसी की जनता का फैसला सामने आने में। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर खेल किसका बिगड़ा और किसका बना। वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े क्या नतीजों का कुछ संदेश दे रहे हैं, आंकड़ों का पूरा अंकगणित समझाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एनडीए और इंडिया के लिए घोसी उपचुनाव की क्या अहमियत है। घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये पहला इलेक्शन है जहां इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं। इस लिहाज से इसे विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया का लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं। अब जरा उपचुनाव में हुई वोटिंग को जाति के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास के बावजूद मतदान 51% तक ही पहुंचा। भाजपा के समर्थक माने जाने वाले नोनिया चौहान, राजभर, निषाद और कुर्मी मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सपा के परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव समाज के साथ सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के सजातीय ठाकुर मतदाताओं ने भी पूरे जोश से मतदान कर मुकाबले को न केवल रोचक बल्कि कांटे का बना दिया है। उपचुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से आशंका जताई जा रही थी कि उनसे जुड़े मुस्लिम और यादव मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनके मतदाताओं को भयभीत करने का भी आरोप लगाया गया, लेकिन मंगलवार को हुए मतदान में मुस्लिम, यादव और ठाकुर बहुल इलाकों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। बहरहाल ये माना जा रहा है कि जो भी दल दलित मतदाताओं में सेंध लगाने में जितना सफल रहेगा बाजी उसके हाथ लगेगी, लेकिन नतीजों से पहले ही जीत की दावेदारी का दौर शुरू हो गया। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है और बीजेपी वहां जीतेगी। हर जगह शांति से वोट पड़ रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो मैं घूम रहा हूं देख रहा हूं कि पूरे विधानसभा में सारे लोग जो है कमल के बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं और दबा फिर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। जहाँ तक मैं घूमा हूँ हर जगह केवल कमल कमल कमल। इससे साबित होता है क्या जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चौतरफा विकास किया है, और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारी बहुमत से भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत के जाएगी। वहीं दूसरी ओर सपा भी घोसी में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि पार्टी महासचिव शिवपाल को यह आशंका है कि काउंटिंग के दिन भाजपा कोई खेल कर नतीजों को बदलने की ताक में रहेगी, जिसे लेकर पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। वहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना वोट डाला है तो जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह बड़े मार्जिन से। भाजपा और सपा तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन घोसी के नतीजों में जातीय समीकरण सबसे अहम रहने वाला है। जातीय समीकरण के लिहाज से उपचुनाव में पूरा दारोमदार राजभर, नोनिया चौहान और निषाद समाज के मतदाताओं पर है। उपचुनाव में दलित मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। दोनों ही दलों की ओर से दलितों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। दलितों में खटिक और धोबी समाज का रुझान भाजपा की ओर दिखा, लेकिन दलित वर्ग में जाटव मतदाता सबसे अधिक है। जाटव मतदाताओं का दोनों ही दलों की ओर रुझान दिखा। दलितों का मत जिसे अधिक मिलेगा बाजी उसी के हाथ लगेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि वैश्य और ब्राह्मण मतदाता सपा और भाजपा में बंट गए। विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों के अनुसार इन दोनों समाजों के वोट दारा सिंह और सुधाकर सिंह को मिले हैं। उपचुनाव में भाजपा ने जहां यादव, मुस्लिम और ठाकुर वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया, वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने मतदान के दिन तक राजभर, निषाद, ब्राह्मण, कुर्मी और वैश्य वर्ग के वोट में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश की। अब सभी को बेसब्री से नतीजों का इंतजार है, जब घोसी की जनता का फैसला ईवीएम से बाहर आएगा। फिलहाल तो दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की रातों की नींद उड़ी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।